पूरे मालवा अंचल में ठंड बढ़ने लगी है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं और आग ताप रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंदसौर में अष्टमुखी भगवान श्री पशुपति नाथ को भी ठंड से बचाने के लिए उन्हें कंबल उड़ाया जा रहा है। साथ ही ठंड से बचाव के लिए मंदिर में हीटर भी लगाया गया है। सर्दी के मौसम में प्रतिदिन भगवान पशुपति नाथ की शयन आरती के बाद उनकी प्रतिमा पर गर्म कंबल उड़ाकर पट बंद कर दिए जाते हैं। पंडित सुरेंद्र आचार्य ने बताया, यह रूप में भगवान का लाड़ किया जाता है। अभी ठंड के मौसम में बाबा को कंबल उड़ाया जा रहा है, गर्म हीटर जलाकर ठंड से बचाव किया जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट होने से ठंड बढ़ी है, ऐसे में भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। हाँ, भगवान पशुपतिनाथ को कंबल उड़ाया है, क्या है? जैसा कि सबको विदित है, अभी शरद ऋतु और ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड में सभी दूर तापमान कम हो जाता है, सभी लोगों को ठंड लगने लग जाती है। सभी तरह के गर्म कपड़े निकाल करके लोग अपने अपने तरीके से ठंड को दूर करते हैं। भगवान जी के लिए भी ठंड को दूर करने का यही एक साधन है, सही एक तरीका है, जो परंपरागत सनातन धर्म से चला आ रहा है कि भगवान को शीतकाल में गर्म कपड़े से उड़ाया जाता है और गर्मी में ठंडे पंखों की हवा की जाती है। तो इसी तरीके से शरद ऋतु में ठंड में भगवान पशुपतिनाथ जी को भी ऊनी मखमल का कंबल उड़ाया गया है, जिससे उनकी गर्माहट हो सके और वो आराम से रात्रि विश्राम कर सकें। और उनके लिए भी भगवान को रूम हीटर की व्यवस्था की गई है, हीटर लगा गया है, इलेक्ट्रिक हीटर। और इस तरीके से भक्त अपने लोग तरीके से लाड़ करते हैं भगवान का, और भगवान पशुपतिनाथ जी के लाड़ करने के लिए कंबल और हीटर की व्यवस्था करी गई है ताकि उनको ठंड ना लगे। कब से उड़ाया जा रहा है कंबल? ये अभी शीत, जब से ठंड बढ़ जाती है तब से उड़ाते हैं। यहाँ पर जब कार्तिक का मेला आता है, कार्तिक का मेला पूरा होने के बाद जब भगवान को कार्तिक का मेला समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद में भगवान को कंबल उड़ाने की परंपरा रहती है। क्या आस्था है कंबल उड़ाने की? जिस तरह से मनुष्य को भी ठंड लगती है, इस तरह से भगवान को भी ठंड लगती है, ऐसा माना जाता है। मनुष्य को भूख लगता है, भूख लगती है, भगवान को भी भूख लगती है। भगवान को भोजन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, जैसे अपने को अपन अनुभव करते हैं वैसे भगवान की भी सेवा करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो इस तरीके से हर ऋतु में भगवान का लाड़ किया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और इसी तरीके से जैसे अपन रहते हैं, जैसे अपन जीवन यापन करते हैं, वैसे भगवान को भी सुविधा दी जाती है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित सुरेंद्र आचार्य, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर।